गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है और इस गर्मियों में हम बनाएंगे होममेड चॉकलेट आइसक्रीम। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं होममेड चॉकलेट आइसक्रीम। आप इसके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। 1 लीटर फुल फैट मिल्क, 250 ml अमूल क्रीम, 3 टेबलस्पून आइसिंग शुगर, 4 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून कॉफी पाउडर। एक पैन लेंगे, उसमें दूध डालेंगे। दूध को हमें गाढ़ा करना है। हम इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जब तक कि हमारा दूध गाढ़ा होता है, हम जिस बर्तन में क्रीम बनाएंगे उस बर्तन को और अमूल की क्रीम को, दोनों को भी हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। इस दूध के अंदर हम 3 टेबलस्पून शक्कर का इस्तेमाल करेंगे। दूध अच्छी तरह से थिक हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद हम इसे फ्रिज के अंदर रखेंगे और उसे फ्रिज में ठंडा करेंगे। हम क्रीम लेंगे ठंडी, जो हमने करके रखी थी, इसे एक बाउल में डाल देंगे। हमने इसे एक बाउल के अंदर डाल दिया है और नीचे एक बाउल रखा है, उसमें आइस क्यूब रखा है और इसके ऊपर हमने ये क्रीम रखी है। और एक हमने बीटर लिया है, बीटर की मदद से हम इसे फेटेंगे। तब तक के इसका झाग नहीं बन जाता, तब तक हम इसे फेटेंगे। इसे 5 मिनट इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लिया है। अब हम इसमें आइसिंग शुगर डालेंगे। आप कोई और शुगर का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपकी क्रीम नहीं बनेगी। हम इसे फिर से बीट करेंगे तब तक के इसका झाग ना बन जाए। पच्चीस मिनट हमने इसे फेटा। देखिए इस तरह से क्रीम फॉर्म में आ गया है। अब हम इसके अंदर 250 ml दूध मिक्स करेंगे, जिसे हमने थिक किया था। दूध को मिक्स कर लेंगे। हमें 250 ml से ज्यादा इसमें दूध मिक्स नहीं करना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर। फिर अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉफी पाउडर। सभी चीजों को मिक्स करेंगे हम। फिर इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से हम इसे मिक्स कर लेंगे। सभी चीजों को हम इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या स्पैचुले की मदद से आप इसे मिक्स कर लें। मैं इसे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट करूंगी। पहले हम इसकी स्पीड कम रखेंगे, उसके बाद हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे। हम इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ये तैयार हो गया है आइसक्रीम का मिक्सचर बनकर। अब हम इसे एक एयरटाइट कंटेनर के अंदर डालेंगे। हम इसे एयरटाइट कंटेनर के अंदर डालकर 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर के अंदर रख देंगे, ताकि ये आइसक्रीम हमारी अच्छी तरह से सेट हो जाए। आप दूध की जगह कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देंगे। रात के 11 बज चुके हैं, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, बच्चे अच्छे से टेरेस पे एंजॉय कर रहे हैं, कल हॉलीडे है। तो चलिए हम निकालते हैं हमारी आइसक्रीम और ठंडी ठंडी आइसक्रीम सर्व करते हैं। जब तक कि आप मेरी टेरेस व्यू देखें और एंजॉय करें इस व्यू को, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मियों के सीज़न में अगर ठंडी ठंडी हवा आए तो बहुत मज़ा आता है। तो चलिए आप देखिए मेरे टेरेस व्यू को और मैं निकालती हूँ आपके लिए। रेडी हो गई है। अब हम इसे चॉकलेट से ऊपर से चॉकलेट डालेंगे और इसे सर्व करेंगे आइसक्रीम को। हमने इसमें मेल्टेड चॉकलेट डाला है। हम आइसक्रीम को निकाल लेंगे, इसे सर्व कर लेंगे, निकाल लेंगे हम अच्छी तरह से। देखें कितना अच्छे से हमारा आइसक्रीम सेट हुआ है और बहुत ही देखकर ही लग रहा है कि बहुत टेस्टी बना है। इसे सर्व कर लेंगे। इसके ऊपर भी हम चॉकलेट डालेंगे।
देखें हमारा चॉकलेट आइसक्रीम बनकर रेडी हो गया है। चॉकलेट आइसक्रीम बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।